वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी एक्ट 2017 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एट मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप की मीटिंग्स के लिए इसकी डिस्कशन होगी। जब बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर ऑपरेट करती है तो उसमें क्या सिचुएशन होगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर, बॉडी कॉर्पोरेट में जो है वो कंपनीज भी आ जाती हैं और बाकी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाती हैं। तो मेनली बॉडी कॉर्पोरेट से यहाँ पे मुराद है कंपनी। तो लेट्स से कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड और ये मेंबर हैं एक और कंपनी के, एक्स वाई जी लिमिटेड के। तो अब एबीसी लिमिटेड तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एज मेंबर ये अपने राइट कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके अंदर ये एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकते हैं जो फिर एबीसी लिमिटेड के बिहाफ पर एक्स वाई जी लिमिटेड के अंदर जो भी पावर्स हैं एक मेंबर की होती हैं कि मीटिंग को अटेंड करें, मीटिंग में वोट दें, मीटिंग के अंदर डिस्कशन करें, तो वो सारे काम करेंगे। तो रूल लॉ का क्या है कि अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन विच इज मेंबर ऑफ एनदर कंपनी मे बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड। तो प्रोसीजर ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उस इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाएगा, या रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड और अदर गवर्निंग बॉडी। अदर गवर्निंग बॉडी से मुराद ये है कि बाजू का बॉडी कॉर्पोरेट तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो कंपनी है तो कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होगा। कंपनी के अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जैसे आईकैप है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह के इदारे हैं और ये किसी कंपनी के अंदर मेंबर हैं, तो उनकी गवर्निंग बॉडी होगी। यानी जिस तरह आईकैप की कौंसल है, या जिस तरीके से एफबीआर का बोर्ड है, या जो गवर्निंग बोर्ड ऑफ गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो वो अदर गवर्निंग बॉडी हो गई। तो ये ऑथराइज करेंगे एक इंडिविजुअल को कि वो इनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करे मीटिंग ऑफ द अनदर कंपनी। जिस तरह से यहां पर एबीसी कंपनी अपॉइंट करेगी इंडिविजुअल को कि वो एक्स वाई जेड लिमिटेड की मीटिंग अटेंड कर सके। द इंडिविजुअल सो ऑथराइज शैल बी इंटाइटल टू। अब ये जो इंडिविजुअल होगा इसकी वही पावर्स होंगी जैसे उस कॉरपोरेशन की हैं, उस कंपनी की हैं जिसके बिहाफ पर इसको अपॉइंट किया गया है। द इंडिविजुअल सो ऑथराइज शैल बी इंटाइटल टू एक्सरसाइज द सेम पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन विच ही रिप्रेजेंट। तो इस इंडिविजुअल की वही पावर्स होंगी जो एबीसी लिमिटेड की एज मेंबर है। मेंबर्स वाली मीटिंग तो काफी कॉमन है कंपनी में, जनरल मीटिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, और लेकिन यह कि बाजूकात कंपनीज को एज अ क्रेडिटर भी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। ये नॉर्मली उस सिचुएशन में राइज हो रही होती है जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही हो। तो बिल्कुल सिमिलर रूल है इस सिलसिले में भी कि अब बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन विच इज क्रेडिटर ऑफ एनदर कंपनी। अब जरा फर्क देखें, जो पहले हमने पढ़ा उसमें वर्ड मेंबर था, यहां पे वर्ड क्रेडिटर है। विच इज अ क्रेडिटर ऑफ एनदर कंपनी मे बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड और अदर गवर्निंग बॉडी ऑथराइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। यहां पर था मीटिंग ऑफ दैट अदर कंपनी विच मेंट के जनरल मीटिंग की बात हो रही है। द पर्सन सो ऑथराइज शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर। तो जो वंस अगेन यहां पे अगर हम मेंबर की जगह क्रेडिटर कर दें तो सेम ये वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी, और अगर मेंबर रखेंगे तो ये वाली सिचुएशन अराइज होगी। तो दोनों में सेम रूल है, यानी कंपनी एज अ मेंबर या एज अ क्रेडिटर एक इंडिविजुअल को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज कर सकती है कि वो उनके बिहाफ पर एक और कंपनी की मीटिंग अटेंड करें, और उस इंडिविजुअल की फिर वही सेम पावर होंगी जो उस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की होंगी जिसने उस इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है। तो ये एक सिंपल सा सेक्शन था जो आज हमने डिस्कस करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।